हेलो, कर दिया तुमने स्टार्ट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ पढ़ लिख कर आए हो तुम लोग? अच्छा, जो कल एब्सेंट थे पहले वो बताओ, तुम लोग तुम बैकअप करके आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। पक्की बात? सवाल पूछ लो तुमसे। ठीक है, तुम करके आए हो? राहुल। बाकी तो आते रहते। तुमने करा बैकअप? सिरवानी। आधा क्या होता है? और बाकी क्यों नहीं हो पाया तेरा? अच्छा, निहारिका नहीं आई? क्यों? अच्छा ठीक। चलिए, तो अपन लोगों ने कल स्टार्ट किया था विद द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, है ना? दो तरह का एनबीएफसीज, नहीं, कितना, चार तरह का एनबीएफसीज पढ़ लिया था अपन लोगों ने। एक अपन ने पढ़ा था असेट फाइनेंस कंपनी, देन उसके बाद हमने बात किया था इन्वेस्टमेंट कंपनी का, देन लोन कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। चलो एक एक करके बताना मुझे ज़रा। सबसे पहले कौन बताएगा? चलो सबसे पहले मानसी बताएगी। मानसी, असेट फाइनेंस कंपनी क्या था? हाँ, तुम थे ना बेटा कल क्लास में? हाँ, तो फिर तो बताना पड़ेगा क्या था असेट फाइनेंस कंपनी। ओके, और कौन सा असेट्स है ये? मेनली कौन सा असेट्स परचेज करने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं? मतलब कोई भी तरह का असेट्स परचेज कर सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिकली था कि भाई इस तरह का असेट्स ही परचेज करना है? हाँ ठीक है, वो असेट्स जो ऐसा कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेगा, वो असेट्स को फाइनेंस करने के लिए क्या करते हैं? अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा वो जो तुम्हारा टेस्ट चल रहा था लाइक असेट्स और रिसीट्स वाले का 50-50 वाला टेस्ट, उसका कुछ रिक्वायरमेंट बदला था क्या? ये वो उतना ही था? कितना था? यस, इट वॉज 60-60 हियर। ठीक है। हाँ भाई गीताली, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, एक ऐसा एनबीएफसी जो क्या कर रहा है सर, जो इन्वेस्टमेंट्स का काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स का काम कैसे कर रहा है? बाय अक्वायरिंग सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया। और भी कुछ था इसमें? नहीं। हाँ भाई खुशी, लोन कंपनी। मतलब कुछ किस काम के लिए लोन देती है? अच्छा, किसी भी काम के लिए। कितने टर्म का लोन देती है? टर्म यानी कितने टाइम पीरियड का लोन देती है? वो तो कितने भी टाइम का था, है ही नहीं था, गिव ही नहीं था। अच्छा, कितने अमाउंट तक का लोन देती है? हाँ, तो कितने भी अमाउंट का दे सकती है, बताया नहीं, मतलब कितने भी अमाउंट का दे सकती है। ठीक है, तो बेसिकली लोन कंपनी एक ऐसा एनबीएफसी जिसका मेन काम क्या है? सिर्फ लोन बांटना किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी अमाउंट का, कुछ भी, कैसा भी, तो दैट इज दी लोन कंपनी। चलो ही, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या था? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, और 75-60 था या 75-50 था? 60 किसने का? हाँ अच्छा ठीक, तुमने बैकअप कर लिया कल का? पक्की बात? बैठो, ये तुम लोगों ने एक एक ये वाला डिस्क खाली क्यों छोड़ा है वैसे ही? चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग को साथ बैठना पसंद है, बैठो। हाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एक ऐसा एनबीएफसी है जो क्या करता है सर, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करता है। ठीक है, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करता है। अब क्योंकि मैंने तुमको बताया था ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। तो फाइनेंशियली साउंड होने के लिए इसमें अपने देखा था इसका जो रिक्वायरमेंट्स था बाकी के एनबीएफसी से अलग था, जैसे कि जो अपना 50-50 टेस्ट चल रहा था, यहाँ पे एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स की
किसके फॉर्म में होना चाहिए, फाइनेंशियल लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की फॉर्म में होना चाहिए। इसका लोन फंड जनरली 2 करोड़ होता है, वो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 300 करोड़ होना चाहिए। इसका इक्वलेंट होना चाहिए एंड सी आर ए आर, यानी मान के चलो जो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो चलो इसके आगे, बढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सी आई सी एन डी एस आई। सी आई सी बोले तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एन डी बोले तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अच्छा ध्यान देना, ऑल दो इसके नाम में नॉन डिपॉजिट टेकिंग आता है, पर ये पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करता है ना, ये पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करता है एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग करके समझ गया, मतलब समझ लेना कि बोले फंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं नहीं करता है, करता है। ऐसा ही बोले तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो ऐसा तो नाम उल्टा करके दिया हुआ, सी एस सी सी आई सी एन डी एस आई, तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या होता है ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो समझना, ध्यान से सुनना पहले। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, किसी को याद है क्या कॉन्सेप्ट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, भाई इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों बोल रहे हैं, कोई वजह हो सकती है क्या इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलने के पीछे? कि सर ये जो कंपनी है, यानी ये जो एनबीएफसी है ना, ये क्या करेगा, जो इकोनॉमी के कोर एरियाज होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक द इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ जस्ट लाइक द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट करता है। एंड इन्वेस्टमेंट भी इसका छोटा मोटा नहीं होता है ना, ऐसा लार्ज सम इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इन कंपनीज को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलने के पीछे एक रीज़न और भी था एक्चुअली, क्या ना, जैसे अपन जानते हैं एनबीएफसी के ऊपर किसका रेगुलेशन है, किसका कंट्रोल है, आरबीआई का, है ना, पहले भी था, पर पहले आरबीआई का जो रेगुलेशन था, या मान के चलो अपन कह सकते हैं जो रेगुलेशन था ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो एनबीएफसी की वैसे पहले पास्ट में कई बार क्या आ चुके हैं, लिक्विडिटी जो क्रंचेस हैं वो इकोनॉमी को फेस करना पड़ा है। एनबीएफसी अपन जानते हैं ना आसानी से लोन दे देता है, लोन तो दे दिया, पर जैसे मैंने कल भी कहा था, किसको कहा था, किसको ट्रस्ट इशू हो रहा था एनबीएफसी पे, कौन था रे, पलक थी, हाँ तो जैसे मैंने पलक तुमको कल कहा था, एनबीएफसी ने तुमको तो लोन दे दिया, अरे तुम्हारा ट्रस्ट नहीं ना, तुमने डिफॉल्ट कर दिया, तो अभी एनबीएफसी ने जिन जिन को भी लोन बांटा तुम लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या होगा, है किसको नुकसान होगा, एनबीएफसी को नुकसान होगा। अभी एक एनबीएफसी को नुकसान होगा, तो तुमको नहीं लगता कि इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल, यानी जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ना, तो ऑल इन ऑल तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, या समझो एनबीएफसी के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी तो नुकसान होगा, और एनबीएफसी के इन्वेस्टर्स कौन होंगे, अरे वो कोई ना कोई ऐसा जनरल पब्लिक जैसे, तो कोई ना कोई दूसरा इन्वेस्टर तो होगा, तो ओवरऑल ऐसा इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है। तो आरबीआई का पहले क्या ना रेगुलेशन थोड़ा ऐसा हल्का सा था एनबीएफसी के ऊपर, तो भाई इस तरह का यू नो ये फाइनेंशियल ऐसा लिक्विडिटी दिक्कत ना है, ये ऐसा अनशन लोड ना बांटते फिर ये लोग, तो इसलिए आरबीआई ने अपने क्या करा, रेगुलेशन को थोड़ा ऐसा बढ़ाना चाहा। तो कुछ कंपनीज के ऊपर जिस जो आरबीआई को ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो हमारे नज़र में हमेशा रहना ही चाहिए, इसमें हल्का सा भी क्या नहीं होना चाहिए, इनको ढील नहीं मिलना चाहिए, तो उनको ऐसा क्या टैग दे दिया गया, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, है ना। पहला बात, इकोनॉमी के कोर एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे, लार्ज सम इन्वेस्ट कर रहे, प्लस अगर यहाँ कभी कोई दिक्कत हुआ ना तो उसका जो इफेक्ट है मेनली किस पे पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा स्पेशल थोड़ा ध्यान रखने के लिए इनको ये एक टैग दिया गया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। ठीक है, अब सुनना, क्योंकि ये इकोनॉमी के कोर एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इकोनॉमी के कोर इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे, तो इनके ऊपर भी क्या है, कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं असेट्स को लेकर के, वो तुम्हारा 50-50 टेस्ट को लेकर के। तो चलो एक बार वो चेक कर लेते हैं क्या क्या एडिशनल कंडीशंस इस पे लगता है। सी आई सी एन डी एस आई इज एन एनबीएफसी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, अरे बाय अक्वायरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑफ द अदर बिजनेस एंटिटीज विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट, चलो एक और ये तुमको इसके एक और लिंक करते हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, ध्यान देना, ओ ये बादल कैसे बन गया अपने आप,
एक सेकंड, ये जादू कैसे हुआ? इस बार तो नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी यदि ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कहलाएगा? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, समझे? तो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहला कंडीशन, इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स टोटल असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज। अभी एक बार बताता हूँ तुमको, ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं तो सामने वाली कंपनी को पता है क्या कहा जाता है? ग्रुप कंपनी कहा जाता है। जैसे मान लो मैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, तुम सब छोटे 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 कंपनीज हो, मैंने तुम्हारे में इन्वेस्ट किया है, तो तुम लोग कौन कहलाओगे? मेरे ग्रुप कंपनीज, ठीक है? अब तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या समय हो रहा है बेटा ये है? तुम कल भी लेट थी, पर रुको 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 रुको, वेट, तुम कल भी लेट थी। हाँ, तो क्यों? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, कल एक आखिरी चांस दे रहे, तो अगर थर्ड कंसेक्यूटिव डे पे तुम अगर लेट हुई तो तुमको ऐसा भारी भरकम पेनल्टी भरना पड़ सकता है। और तुम तो कल एबसेंट ही थी, तुमको नहीं लगता तुमको तो आ जाना, सबसे पहले आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल ध्यान रखना, बैठो। तुमने बैकअप किया कल का? हाँ, तो ठीक है। कौन है सर भाई? क्यों श्री? ये श्री क्यों श्री भाई, डांट पड़ रही है दूसरों की तो तुम्हें मजा आ रहा है? अच्छा, बेंच के लिए। चलो चलिएगा, सुनिएगा आप। सबसे पहला बात, चलो पहले तुमको अलग से लेके चलते हैं एंड फिर तुमको यहाँ पे लेके आते हैं। तुम दोनों में से गाड़ी कौन? तो जो पीछे बच्चा बैठा था उसको नहीं लगा कि उसको क्लास देख लेना चाहिए? अच्छा, ईयरफोन्स लगा लेते बेटा, सुनने में आया था। अरे फोन बैग में रहता, ईयरफोन्स लगा रहता, सुनाई देता रहता। एक ब्लूटूथ वाला ईयरफोन इसको दे देना था, एक तुमको लगा लेना था। तुम लोगों में स्किल नहीं है। चलो देखो सुनो, हम किसका बात कर रहे हैं? सीआईसी का, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। तो बात चल रहा है सर एडिशनल कंडीशंस का। तो एडिशनल कंडीशन में सबसे पहले क्या आ रहा है कि तुम्हारा वो जो 50-50 टेस्ट था ना, पहली बात तो उसको यहाँ पे 90-50 करने का जरूरत है। रिसीट्स के लिए यहाँ कुछ नहीं बोल रहा फिलहाल, तो अभी अपन इसको 90-50 ही लिख रहा हूं मैं। और नेताजी आगे बैठो, थोड़ा सा अगर आपसे हो सके तो आओ। छोटे बच्चे वैसे भी आगे बैठते हैं हमारी क्लास में। नहीं इधर नहीं, ये बिल्कुल कहाँ दिखेगा तेरे को, चश्मा लग रहा है आपको, बैठो। वेरी गुड, आपने कल का बैकअप किया, आप लेट क्यों आए? कल मत आना, ठीक है? और तो कोई बाकी नहीं ना, सब आ गए ना? कल तो इतने थे ही नहीं बच्चे, आज कहाँ से आ गए एकदम से? कोई बात नहीं, अब तो नहीं आने वाला ना पक्का। चलो अब मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ सर, ठीक, थैंक यू। देखो भाई क्या बात चल रही थी, सुनेगा। सबसे पहला बात क्या चल रहा था कि जो तुम्हारा 50-50 टेस्ट है वो यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट हो जाता है इनटू 90-50 टेस्ट। सर 90-50 टेस्ट कैसे क्या हुआ सुनो, अभी इनका जो टोटल असेट्स रहेगा तो उस टोटल असेट्स का 90% ऑफ दी असेट्स है ना, वो किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सुनना सुनना, पहले से सुन लो फिर बाद में बोलना तुम लोग। वो किस में होना चाहिए? इन दी फॉर्म ऑफ
इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये क्या करेगी, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी बाय अक्वायरिंग देयर सिक्योरिटीज। तो जब मैंने किसी में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या बन गया, मेरा असेट्स बन गया। अरे ग्रुप कंपनी तो बना, पर वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या बन गया, मेरी मेरी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मेरा एसेट्स बन गया, है ना। तो मेरी टोटल एसेट्स का एटलीस्ट, से भी ध्यान देना, इससे भी जा सकता है, एटलीस्ट 90% ऑफ द एसेट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बाकी 10% कुछ भी हो, जिसमें तुम्हारा फिक्स असेट्स हो सकता है, तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 90% ऑफ द असेट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कैसे होगा, बाय अक्वायरिंग द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज। आया बात समझ में? अब ये 90% में भी फर्दर क्या किया गया है, बायफ्रिकेशन किया गया है। सुनना, ये 90% में भी क्या किया गया है, फर्दर बायफ्रिकेशन किया गया। कैसे बायफ्रिकेशन किया गया है, इन्होंने ऐसा बोला कि 90% का या 90% में जो 60% है ना और जो 30% है, तो 60% जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा वो केवल और केवल होना चाहिए इनटू इक्विटी या दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एट अ लेटर डेट। समझो, तुमने इन्वेस्टमेंट किया, अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में हो सकता है। तुम लोग सेबी पढ़ते आ रहे हो, तुमने नहीं पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा भी, तुमने पढ़ा है सेबी, ठीक है, बाकी सब नहीं पढ़ा है, तो सेबी सब लोगों ने पढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट किस किस चीजों में कर सकते हैं आप, जैसे सामने वाली कंपनी है तो आप इन्वेस्टमेंट, तुमको करने का मौका दिया जाए तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू तुम लोग या जिसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बताओ हम सबको थोड़ा, ताकि हम लोग को भी जानने को मिले। सही बात है, जानने को मिलना चाहिए ना। हाँ बताओ, चलो एक तो आता है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हाँ, और प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, और ठीक है सामने वाली कंपनी के बॉन्ड्स ले जा सकते हैं, दैट दैट विल बी इन द वे ऑफ डेट्स, बट ठीक है एक तरीके से फाइनेंस ही प्रोवाइड कर रहे हो, फाइन। और डिबेंचर परचेस कर सकते हैं, वो भी डेट की फॉर्म में होता है, बट हाँ ठीक है सामने वाले को हम फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एनी काइंड ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अभी तो क्या है डिबेंचर्स हैं या अभी तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आगे चल के बदल जाएंगे, ऐसे हो सकते हैं, हाँ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स है ना टोटल, उसमें सुनो, आउट ऑफ द 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 60%, 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ओनली या वो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। एक सेकेंड, तो 60% इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और बाकी 30% किस में रहेगा, तो इक्विटी के अलावा तुम लोग बाकी नाम ले रहे थे ना अभी, उसमें चीज समझ में। तो ये जो 90 में से 60 30 जो किया, क्या ये 90 का 60% है या 90 को ही 30 60 में कर दिया है, क्योंकि 90 का 60% इज 54% ऑफ द टोटल असेट्स, क्या ऐसा है, या 60% ऑफ द टोटल असेट्स की बात कर रहे हैं, 60% ऑफ द टोटल असेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। और ये भी ध्यान देना, ये भी एटलीस्ट है, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, कैसा हो सकता है क्या नाम है इसका, नीलम, 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्विटी में हो सकता है ना बेटा, एटलीस्ट है 60, कम से कम 60 बोला है, ज्यादा से ज्यादा तो 100% कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा चीज लो एक बार वापस पढ़ के देख, तुमने लिखा ना ये चीज, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। इट होल्ड्स नॉट लेस देन, यानी 90% से कम नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 90% है ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसमें, इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन इन ग्रुप कंपनीज,
टोटल इन्वेस्टमेंट्स की बात हो गई, फिर आगे जाके बोल रहा है इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स, हाँ इंक्लूडिंग, किसको इंक्लूड कर रहा है ध्यान से सुनना, इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। मैं तुमको बता ना, एक तो इक्विटी और दो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, पर इक्विटी में कब कन्वर्ट होना चाहिए बोले 10 साल से ज्यादा नहीं, है ना, मैक्स टू मैक्स 10 साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इक्विटी में। जैसे आज तो मैंने डिबेंचर इशू कर दिया तुमको, और वो कितना टाइम में हो जाना चाहिए इक्विटी में कन्वर्टेबल, मैक्स टू मैक्स 10 साल, तो वो भी यहाँ पे आएगा, है ना। एक सेकेंड राहुल, थोड़ा सा मैं ब्लर आ रहा, अरे यार एक सेकेंड। इतना लाइट निकलता है ना मेरे में से, मैं ब्लर हो जाता हूँ, खैर क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, एक मिनट ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 10 ईयर्स की बात कर रहा है ये। हेलो, अरे एक सो विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन ग्रुप कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट लेस देन 60% ऑफ टोटल एसेट्स। तो 60% इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए, इक्विटी और इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्लियर? फिर आगे क्या बोलता है, इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स डेट और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिस्क। बड़ी अच्छी बात कह रही है, कोई बता सकता है मुझे पढ़ करके कि क्या बोल रहा है ये, मतलब वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए तो थोड़ा देखो बताओ क्या कहना चाह रही है, तो ऐसा रफ अगर मीनिंग अगर मुझे क्रिएट करके बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। बता रहा है, समझो, तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया किसमें किया, शेयर्स में किया, मान लेते फिलहाल को, है ना, किसमें किया, शेयर्स में किया। तो ये ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है ना शेयर्स में, तुम उन इन्वेस्टमेंट को क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, कि बोले मेरे पास क्या पड़े हैं, शेयर्स पड़े हैं, चलो अपने शेयर पर फायदा हो रहा है बहुत, इसको बेच के आते हैं, कम में मिलेगा वापस खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तुमने लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों कभी? यस, पढ़ा है। तो जो लॉक इन पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ना, काइंड ऑफ वैसा बात कर रहा है कि तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तुम उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, कि बोले कल मैंने 100 शेयर खरीदे थे, है ना, तो आज उन 100 शेयर की वैल्यू बढ़ गई, चलो बेच देते हैं, बाद में कम होंगे तो वापस खरीद लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे डेट हो, चाहे लोन्स हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल। ब्लॉक, वो सुना है तुमने, ब्लॉक डील होती है कभी कभी, हाँ, जिसमें ऐसा ढेर सारा शेयर्स एक साथ बेच दिया जाता है, करोड़ों की डील होती है, हाँ। तो ब्लॉक सेल के थ्रू तुम चाहे भले ही ऐसा अपने इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट कर सकते हो, पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तुमको लग रहा है तुमको पैसे की जरूरत है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट ने तुमको अच्छा रिटर्न दे दिया, तो तुम क्या करोगे, एक साथ एक बड़ा अमाउंट यानी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स क्या करोगे, सेल आउट करोगे, ठीक है। तो बस ये कर सकते हो, बाकी इन ट्रेडिंग नहीं कर सकते भैया। देन फिर क्या बोल रहा है, इट डज नॉट कैरी ऑन एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी रेफर टू इन सेक्शन 451C एंड 451F ऑफ द RBI एक्ट 1934 एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स। देखो कितना कितना चालाक है आरबीआई, चालाकी देख रहे हो तुम आरबीआई की, वापस बताता हूँ फिर देखना, है ना। इट इज नॉट, ये रहा इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन्स टू एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट इशुएंस ऑफ ग्रुप कंपनीज और गारंटीज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कंपनीज। ये क्या बोल रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट के अलावा तुम कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते सर। और कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी होती है हमको तो पता ही नहीं। अरे किसी और को लोन देना, समझ रहे? तुम सोचो, एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है, एक तरफ अपन चलो लोन भी बांटते हैं लोगों को, ऐसा कर लेते हैं, इधर से ही पैसा आएगा उधर से ही पैसा आएगा, कितना मजा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्या? पर आरबी क्या बोल रहा है? हाँ, पर तुम चाहो तो आरबी हमेशा किसके ऐसा हित की बात करेगा? बैंकिंग सेक्टर के। तो आरबी क्या बोल रहा है? वैसे तो तुम ऐसा दूसरा कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, पर समझो तुमको अगर मन कर रहा है तो तुम वो पैसा बैंक के डिपॉजिट में कर, मतलब बैंक में जमा कर सकते हैं। यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, एफडी वगैरह करा लो तुमको रिटर्न चाहिए तो। हम क्योंकि आरबीआई तो जाता है बैंकिंग सेक्टर को, क्या मिले? लिक्विडिटी मिले, पैसा मिले, है ना? तो आरबीआई बोल रहा है, बोले वैसे तो कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी तुमको करने नहीं देते, पर फिर भी तुम इतना बोल रहे हो तो चलो ठीक है। तुम क्या करा सकते? बैंक डिपॉजिट्स कर सकते, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, क्योंकि दे आर हाईली लिक्विड, इसलिए आरबीआई अलाउ कर रहा है, दे आर हाईली लिक्विड। तो क्या इजीली कभी भी मान लो फंड्स की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको बेच बाच के क्या कर लेंगे, फटाफट से लिक्विडिटी ले आएंगे। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हो तुम पैसा, ठीक है। लोन्स दे सकते हो किसको? अरे ग्रुप कंपनीज को, या ग्रुप कंपनी के फेवर में गारंटी इशू कर सकते हो। आया बात समझ में? चलो बताओ मुझे क्या समझे। सबसे पहले तुम अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो तुम क्या नहीं करोगे? कोई भी दूसरे तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी में, कोई भी दूसरे तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होगे। तो क्या होगे फिर? हाँ, कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज होगे फिर? बोले बैंक डिपॉजिट्स करा लो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा लो। तुम चाहो तो अपनी जो ग्रुप कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज कौन थी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था, हाँ, उनको लोन वगैरह दे सकते हो, या उनके फेवर में गारंटी इशू कर सकते हो। उनके फेवर में गारंटी इशू करने का मतलब क्या हुआ दिशान? उनके फेवर में गारंटी इशू करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये मेरी ग्रुप कंपनी है, इसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, लोग मना कर रहे हैं इसको लोन देने से, बोले तेरी क्या क्रेडिबिलिटी है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? बोले अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसको लोन दे दो। अगर इसने डिफॉल्ट किया तो कौन सारे ऐसा लॉसेस बेयर करेगा? मैं। तो गारंटी इशू कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली तुम लोन नहीं दे पा रहे तो क्या कर सकते? गारंटी इशू कर सकते। तो ये तरह का एक्टिविटीज में एंगेज हो सकता है। कौन हो सकता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 451(c)(f) ऑफ द आरबीआई एक्ट। आया बात समझ में? फिर एक और रिक्वायरमेंट क्या बोलता कि भाई इट्स असेट साइज, इनका जो असेट साइज है इज व्हाट? 100 करोड़ और अबव। यानी अगर तुमको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है ना, तो कम से कम भी तुम्हारे पास कितनी करोड़ की असेट्स होनी चाहिए? 100 करोड़ की असेट्स तो होनी ही चाहिए मिनिमम साइड पे, तो तुम सपने देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के, नहीं तो मत देखो। अच्छा, तो ये 100 करोड़ की असेट से चलो एक काम करते हैं, वो जो अपन ने वो बनाया था ना, इसको पूरा करते हैं कि भाई मेरा टोटल असेट्स कितने का? 100 करोड़ का। तो दैट मींस मेरा 90 करोड़ का क्या होना चाहिए? कम से कम भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन इक्विटी, इन डेट, इन प्रेफरेंस और इन एनी अदर सिक्योरिटी। और उसमें से भी 60 करोड़, कम से कम 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए? इक्विटी और कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और बाकी 30 करोड़ भले किसमें हो सकता है? इन अदर सिक्योरिटीज। आया बात समझ में? ऐसा चीज चलो बढ़िया, आगे बढ़े यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ते हैं। तो
एक तो हो गया ये एसेट साइज वाली बात, फिर दूसरा चीज क्या, इट एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स, ये पैसा जमा कर सकती है लोगों से। अभी समझो ना, इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही, कहाँ से लाएगी पैसा, तो इसको तो पब्लिक से फंड्स तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशंस क्लियर है, बताओ सोच लो अच्छे से। सीआईसी एनडीएसआई क्या होता है, ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो इकोनॉमी के कोर एरियाज में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, फिर अगर आपको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है तो ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सारा कंडीशन याद हो गया तुमको, चलो तो जल्दी जल्दी बताते चलो मुझे क्या क्या कंडीशन है। हाँ भाई नीलम, सबसे पहले बोलो तुम। जी, और दूसरा आप बोलो ना जल्दी से, कोई भी बोल दो, इतने सारे हैं। नहीं वो तो एक्चुअली वो इक्विटी वाले में आ गया उधर। हाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, पर क्या कर सकते, ब्लॉक सेल कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ और भाई कशिश, तो कम से कम तो होनी चाहिए। और राहुल और कोई बचा क्या? हाँ बोलो। हाँ कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते अदर देन वो जो चार पांच छह चीजें याद रख लोगे उनके नाम, ठीक है। और इट कैन एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा कंपनी हुआ तुम्हारा, ये कौन सा एनबीएफसी हुआ तुम्हारा, सीआईसी एनडीएसआई, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी क्या है, कल अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पढ़ा था, तो वो एक ऐसा एनबीएफसी था जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस कर रहा था किसी भी मोड में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी क्या है, ये भी वही एनबीएफसी है, सुनना, ये भी वैसा एनबीएफसी है, ये भी वही एनबीएफसी है जो क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस कर रही है। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, अरे बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, वो कर रही है सिर्फ और सिर्फ डेट मोड के थ्रू। डेट मोड के थ्रू मतलब लोन्स दे करके, एडवांसेस दे करके, या मे बी उनके डिबेंचर्स परचेज कर करके, ठीक है, या बॉन्ड्स के थ्रू या लोन्स के थ्रू। ये लोग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इक्विटी प्रेफरेंशियस इस रूट के थ्रू पैसा नहीं लगाएंगे। ये ऐसी एनबीएफसीज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है बट बाय वे ऑफ डेट ओनली, बाय वे ऑफ डेट डेट ओनली, इक्विटी विक्विटी नहीं आएगा यहाँ पे। आया चीज समझ में? अच्छा तो सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी जिसको हम बोलते हैं आईडीएफ एनबीएफसी, इनको स्पॉन्सर कौन करता है, मतलब ये कंपनी बनती कैसे, कौन इनमें पैसा लगाता है? तो बेटा तुमको बताते हुए खुशी हो रही मुझे कि इन एनबीएफसी को स्पॉन्सर तुम्हारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी था ना जो कल पढ़ा था, वो ही इसको स्पॉन्सर करती है, ठीक है, वही इन कंपनीज को स्पॉन्सर करती है। ठीक, आओ पढ़ के देखते हैं एक बार। IDF NBFC, Infrastructure Debt Fund NBFC, is a company registered as NBFC to facilitate the flow of long-term debt. Long-term debt. Debentures is a long-term debt. Debenture is a long-term debt. अरे हाँ, it is a long-term debt. हाँ, क्या सोच रहे हो बेटे बेटे? अबे 12वीं में पढ़ते हैं बच्चे। In long-term debt into infrastructure projects. Clear है बात? जो बोला वही है। अरे जो बोला वही है, तोला नहीं। IDF NBFC raise resources through issue of rupee or dollar denominated bonds of minimum 5 year maturity. अब ये ध्यान से सुनना बात। भाई तुम लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? तुमको इन्वेस्टमेंट का तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? चोरी कर रहे हैं ना? तो क्या बोल रहे हैं कि ये खुद बेचारे पैसा रेस करते हैं, रिसोर्सेस रेस करते हैं, पैसा लाते हैं बेचारे इकट्ठा करके, कहाँ से लाते हैं? तो बाय इशूइंग बॉन्ड्स, है ना।
क्या इशू करके, अपने बॉन्ड्स इशू करके। बट ध्यान देना, ये जो इनके बॉन्ड्स हैं, ये मतलब कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं, इट कैन बी रुपी डिनोमिनेटेड। रुपी डिनोमिनेटेड मतलब इनके बॉन्ड्स की वैल्यू होगी इट विल बी इन रुपीज। और दूसरा डॉलर डिनोमिनेटेड, डॉलर डिनोमिनेटेड मतलब कि ये जो बॉन्ड्स का वैल्यू रहेगा ना, इट विल बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर ओनली। भाई आपके बॉन्ड का कीमत क्या है, बोले $2। यानी कि अब क्योंकि ये डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन से ये रिसोर्स मतलब फॉरेन से ये फंड्स क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होगा उसको तो डॉलर डिनोमिनेटेड चाहिए ना, इसीलिए तो ये जो है क्या करते हैं, इंडियन करेंसी वाले और डॉलर वाले बॉन्ड्स, डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या करते हैं, इशू करते हैं फॉर रेजिंग फंड्स। पर कम से कम भी कितना मेच्योरिटी, 5 साल का मेच्योरिटी। 5 साल से पहले तुमको तुम्हारा पैसा रीपे नहीं करेंगे, तुमसे पैसा ले रहे हैं 5 साल बाद ही रीपे करने का सोचेंगे, पहले नहीं। ठीक है, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैन स्पॉन्सर। मैंने बताया ये बात भी आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वही क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी को स्पॉन्सर कर सकती है, उसमें पैसा लगा सकती है। ठीक है, अब आगे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स विच कैन बी स्पॉन्सर्ड बाई कमर्शियल बैंक एंड NBFCs इन इंडिया। ये कह रहा है अब मतलब कमर्शियल बैंक भी पैसा लगा सकता है, बट मेनली जो ऐसा इसमें कैपिटल जो रहता है ना, वो आपके IDF NBFCs का ही रहता है। सो इट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाई दी कमर्शियल बैंक एंड NBFCs इन इंडिया इन विच डोमेस्टिक और ऑफशोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स कैन इन्वेस्ट थ्रू यूनिट्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाई IDFs। ये बताऊंगा क्या कह रहा है, IDFs वुड एसेंशियली एक्ट एज व्हीकल्स फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग डेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, देयर बाय क्रिएटिंग फ्रेश हेडरूम फॉर बैंक्स टू लेंड टू फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चलो पहले यहां तक तुमको समझा देते हैं, ये तुमको ऐसा दिमाग के सर के ऊपर से उड़ जाएगा फिर। चलो यहाँ तक क्या बोल, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना, तुमसे पहले पूछते तुम मुझे बताना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात बोली है, इन्वेस्टर्स तक, ये इन्वेस्टर्स तक, यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को क्या बोल रहा है? खुशी ने सबसे पहले ऐसा मुंडी हिलाई है, खुशी को समझ में आया है। तो खुशी बाकी बच्चे भी जानना चाहते कि तुमको क्या समझ में आया है, बताओ। हाँ ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो हमारी NBFCs है, इसमें जो हमारी NBFCs हैं वो तो स्पॉन्सर कर ही रहे, वो तो अपना पैसा लगा ही रही है, साथ साथ कौन लगा सकता है, कमर्शियल बैंक्स भी लगा सकता है इन इंडिया। पर कौन सा कमर्शियल बैंक और कौन सा NBFC इन विच ऑफशोर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, भाई दो इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एक ऑफशोर इन्वेस्टर। ऑफशोर इन्वेस्टर कौन है, जो शोर नहीं करते, मतलब शोर नहीं करते ऑफशोर, या शोर कम करते हैं, शोर करते ही नहीं है। अच्छा, ऑफशोर, ऑफशोर इन्वेस्टर्स कौन हुए, दीज आर दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना, ऑफशोर मतलब ऐसे शोर के बाहर, फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात कह रहा है कि वो कमर्शियल बैंक और वो NBFC है ना, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं किसको, IDF को। अच्छा, पर ये बैंक और ये NBFC कौन होना चाहिए, जिनमें खुद में क्या है, जिनमें खुद में इन्वेस्टमेंट्स है, किनका, ऑफ दी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिनको हम DII बोलते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिनको हम FII बोलते हैं। सुने ये नाम कभी तुमने जिंदगी में, DII FII? तुमको सेबी पढ़ते, बुढ़ापा आने वाला तुम लोग का, और तुम लोग DII FII नहीं सुने, हाउ इट इज पॉसिबल, कोई बात नहीं जाने दो, आज सुन लिया, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, तुम लोगों को मैंने FDI पढ़ाया था ना EBCL में, तो तब मैं FII बताया तो है, तो फिर मना कैसे कर रहे हो? तुम लोगों ने ODI पढ़ा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था मैंने तुमको, तो तुमको ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं पता, तुमको RBI याद नहीं है तो ये कैसे याद रहेगा, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, तुमको RBI याद नहीं है तो ये तो याद रहना ही चाहिए। हाँ भाई, तो किन किन का इन्वेस्टमेंट, ये उन बैंक्स और उन NBFCs का बात कर रहा है जो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे ना आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में, तो उनमें खुद में किसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, DII इसका, FII इसका, फिर इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स,
जैसे LIC बहुत बड़ा इंश्योरेंस फंड है, LIC बहुत बड़ा इन्वेस्टर है हमारे इंडिया का, ठीक है। इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड कैन इन्वेस्ट, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया किसके थ्रू, थ्रू यूनिट्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, IDFs यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तुम्हारे ये NBFC जिनकी बात चल रही है, IDFs वुड एसेंशियली एक्ट एज व्हीकल्स फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग डेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। समझो, ये जो बच्चा देख रहे हो ये मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मैं कौन हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी हूँ, ठीक है। आप मुझसे क्या मांगोगे, फाइनेंस मांगोगे, किस काम के लिए मांगोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इन्होंने पास्ट में मुझसे क्या किया था, एक फाइनेंस करवाया था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी क्या हुआ ना, वो जो फाइनेंस इन्होंने लिया था उसको रीपे करने का टाइम है, पर ये कह रहे हैं कि देखो अभी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी आपको रीपे नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा एक काम करो आप, ये जो फाइनेंस था ना इसको वापस से क्या कर लो, रिन्यू कर लो। मैं कहूँगा रिन्यू कैसे करूँ, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रीफाइनेंसिंग, एक ऐसी डेट जिसको वापस से क्या कर रहे हो तुम लोग, फाइनेंस करा रहे। समझ में आया बात, इनके ऊपर ऑलरेडी एक डेट है, मैं क्या कर रहा, मैं इनकी उस डेट को मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम उसको तो पे करो, पर अब तुम मुझे रीपे करना, ध्यान रख लो। समझ रहे, किसी ने लोन ले रखा है उसको उस लोन का रीपेमेंट करना है, तो उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए दूसरा लोन उठा रहा है, ऐसा समझ लो, दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। तो IDFs जो होते हैं ना ये रीफाइनेंसिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। तो IDFs वुड एसेंशियली एक्ट एज अ व्हीकल फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग डेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, देयर बाय क्रिएटिंग फ्रेश हेडरूम फॉर बैंक्स टू लेंड टू फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अरे मैंने तो रीफाइनेंस करवा दिया, पर कोई बात नहीं, जिसके थ्रू रीफाइनेंस कराया उस बैंक को तो क्या मिल गया, नया एक डेट मिल गया। ऐसा आगे सुनो, IDF NBFCs वुड टेक ओवर लोन्स एक्सटेंडेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट एंड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 1 साल का क्या कर चुके हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन पूरा कर चुके हैं, तो उनको हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कितने साल का, 1 साल। सच टेक ओवर ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स वुड बी कवर्ड बाय अ ट्राइपार्टिट अग्रीमेंट बिटवीन द IDF कंसेशनर एंड द प्रोजेक्ट अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग अ कंपल्सरी बाय आउट विद टर्मिनेशन पेमेंट इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट बाय द कंसेशनर। ये कंसेशनर कौन है, ये वो आदमी है जिसने लोन लिया था, यानी कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है। कंसेशनर कौन है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो बात क्या हुई थी, बात हुई थी कि हम हैं IDF, हमने कहा यह है एक बैंक, इस बैंक ने इसको क्या दिया था, लोन दिया था। मैं कौन हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी हूँ, मैंने बोला मैं रीफाइनेंस करूंगा। रीफाइनेंस कब करूंगा, तो कंडीशन लगा दी जब 1 साल का क्या हो चला हो, कमर्शियल प्रोडक्शन पूरा हो चला हो। तो मैं इसको बोल रहा हूँ इस बैंक को, बोले तू चिंता मत कर, तेरे को ऐसा लग रहा है तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, मैं तेरे को क्या कर देता हूँ, तेरा पैसा। और अब इसके ऊपर जो उधारी है वो किसकी रहेगी, IDF रहेगी। समझ रहे मेरी बात को, तो यहाँ पे एक ट्राई पार्टिट यानी तीन पार्टी का ये अग्रीमेंट होता है इन तीनों के बीच में, जिसमें IDF क्या कर रहा है, जो लोन बैंक ने दिया था उस लोन को ये टेक ओवर कर ले रहा है, यानी अब वो लोन किसके ऊपर आ गया, IDF के ऊपर आ गया। ये बंदा अपने लोन से क्या हो गया, फ्री हो गया, पर समझो इसके ऊपर तो लाइबिलिटी भी बनी हुई है, रीपे तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा चीज बोल रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ IDF, फ्रेश भी ऐसा लोन इशू कर सकता है और रीफाइनेंसिंग भी कर सकता है। रीफाइनेंसिंग करेगा तो कैसे करेगा, किसी दूसरे बैंक की लाइबिलिटी को अपना बना करके। आया बात समझ में, थोड़ा सा ऐसा टफ है बट ठीक है, थोड़ा टुकड़ों में पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और कुछ कुछ ऐसा चीज निकालना कोशिश करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, एक बार फटाफट से खुद से पूरा पढ़ के देखो, और देखो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है इसको, प्लीज एक बार गो थ्रू करो।
लिया तुमने सर्वश्रेष्ठ। वाह यार, प्रोजेक्ट अथॉरिटी। एक सेकेंड, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द कंसेशनर, हाँ जिसने पहले उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया था। हुआ पढ़ के सबका, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा भी कुछ? अरे हाँ ना तो बोलो यार, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बताओ। थोड़ा कुछ आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी आज पढ़ाना, कल मैं इसको वापस एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है? पर उसके लिए क्या करना, शाम को जाना, शाम को वापस पढ़ना, तो जितनी बार चीज़ पढ़ोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। एक बार ये पढ़ लिया, ठीक है, दैट्स इट। अभी का फोन आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, तो शाम में जाके एक बार और पढ़ना, और फिर कल मैं वापस एक बार और समझा दूंगा, तो आई गेस फिर तब तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे वाले बढ़ते, नेक्स्ट वाले पे। अगला आपके पास आ रहा है इसमें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC, ठीक है? ये जो NBFC है ना, पता है क्यों एस्टेब्लिश किया गया है? ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं ना, छोटे छोटे जो लोग हैं, है ना, हाइट में नहीं, ऐसा मान लो इकोनॉमिकली जो थोड़ा वीक हैं, उनको लोन वोन दे सके, है ना, उनको ऐसा लोन वोन दे सके। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे NBFCs होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस की, जो माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस। सर माइक्रो फाइनेंस मतलब, अरे जिनको फंड्स का रिक्वायरमेंट कम है, जिनको लाखों करोड़ों में लोन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हज़ारों में लोन मिल जाए उतना ही काफ़ी है, ठीक है? देखो एक बार, अभी ये NBFCs कौन सी हैं जो माइक्रो फाइनेंस कर रही है? माइक्रो फाइनेंस मतलब ऐसा थोड़े कम अमाउंट का लोन दे रही है। कम अमाउंट का लोन किसको चाहिए रहेगा? टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब थोड़ी कुछ चीज़ें वैसे दिमाग में लगा लो, अगर कोई आदमी वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहा है, उसको यदि लोन चाहिए, तो क्या उसको आप ढेर सारा लोन दे दोगे? नहीं। तो पहली बात तो अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा। क्या आप इस आदमी से कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रख पाओगे लोन के बदले में? अरे ये आदमी गरीब है यार, दिमाग खराब है तेरा, कहाँ से वो गिरवी रखेगा? उसके पास कुछ है चीज़ जो गिरवी रखेगा? अरे आदमी गरीब है वो, तो उससे कोई भी चीज़ कोलेटरल नहीं रख पाया जाएगा, ये कोलेटरल फ्री लोन है। अरे गरीब आदमी वो यार, कहाँ से देगा तुमको कोलेटरल? ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड, कितना टाइम का लोन देना चाहिए? क्या छोटे टाइम का लोन दें, या 3 साल कम से कम ऐसा कुछ रखें, या लंबे समय का लोन दें? छोटे समय का, अबे इतना भी फायदा नहीं करना, ठीक है ना, थोड़ा लंबा समय का लोन देना। क्यों? मुझे इंटरेस्ट कमाना है। तुमको छोटे छोटे अमाउंट का लोन दे रहा हूँ तुम्हारी ऐसा रिक्वायरमेंट्स को देख करके, बिना कोलेटरल। मेरा भी तो थोड़ा फायदा कराओ। मेरा फायदा कब होगा? इंटरेस्ट। और मैं इंटरेस्ट ज्यादा कब कमाऊंगा? जितना लंबा लोन चलेगा उतना अच्छा इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो इसलिए टाइम पीरियड इसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा, उससे पहले रिपेमेंट मत ही करना, क्योंकि मेरे को मेरा इंटरेस्ट पूरा चाहिए। मैं तुम्हारे इंटरेस्ट का ध्यान रखा, तुम मेरे इंटरेस्ट का ध्यान रखो। आया बात समझ में? चलो अब पढ़ के देखते हैं, अब तुमको थोड़ा बेसिक ऐसा क्लियर है, तुम पढ़ सकते हो। आओ, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मींस अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC अदर देन अ कंपनी फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या बोल रहे हैं सर? एक ऐसा NBFC, एक कोई ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म हुआ है ना, अदर देन, जो ना तो सेक्शन 25 में आ रहा हो ना सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 ऑफ द 2013 किसके बारे में? सेक्शन 8 कंपनीज, बोलो जोर से बोलो। हाँ, NGOs के बारे में। तो वो कंपनीज नहीं है, तुमको लग रहा हो माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, बोले NGO होगी। नहीं नहीं बेटा, NGO नहीं है ना। हाँ, प्लीज, ठीक है, दूसरी कंपनीज दी नॉर्मल। हाँ क्या बोलता है आगे उसमें, वो सुनते हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज 10 करोड़ रुपीज एज नेट ओन्ड फंड। तुमको क्या लगा लोन देगा 10 करोड़ का? नहीं 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 नेट ओन्ड फंड की बात कर रहा है, कि इनका नेट ओन्ड फंड। भाई याद करो,
नॉर्मल एनबीएफसी का कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का कितना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कितना? वेरी गुड, 10 करोड़ ऑफ नेट ओन फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी एमएफआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2022। हाउएवर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ऑन 22nd of October 2021 issued by the RBI of India, having net own fund less than 10 crore rupees, shall achieve the NOF of 10 crore as per the following guidelines. क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसा बोला गया है कि जो जो जिन जिन को भी MFI बनना ना, तुमको कितना NOF net own fund लाना पड़ेगा? 10 crore। पर मान लो ऐसी कोई NBFC है जो 2021 के समय से, मतलब यू नो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनी हुई है पहले से, मतलब आरबीआई ये जो रूल लाया ना ये तो बाद में लाया, 1 अक्टूबर 2022 से लाया, इससे पहले भी तो एमएफआई बनती होंगी है ना, तो उनके ऊपर तो 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट होगा नहीं, और ना उनकी एनओएफ 10 करोड़ होगी। तो क्या बोला यहाँ पे, बोले ऐसी एमएफआई को अगर अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उनको अपना एनओएफ कितना करना पड़ेगा, 10 करोड़ करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो देखो 7 करोड़ कर लो 31 मार्च 2025 तक, ठीक है अभी तो समय है, कर लेते हो तो अच्छा है, यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। और 10 करोड़ पहुंच जाना कब तक, 31 मार्च 2027 तक। लेकिन एनबीएफसी के लिए बोल रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, पार्टी कर रही थी नहीं है ना, एग्जिस्ट कर रही थी, और जिनका एनओएफ 10 करोड़ नहीं था, तो दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कंप्लीट क्या मतलब, उनको अपना एनओएफ 10 करोड़ करना पड़ेगा। कब तक, बोले 7 करोड़ कर लो पहले 31 मार्च 2025 तक, और 10 करोड़ कर लेना फिर 27 तक। एक सवाल आया मेरे को कशिश, एक सवाल आया मेरे को, तुम बताओगी बेटा, बेटा इसने इधर बोला कि 31 मार्च 2025 तक 7 करोड़ करना है, वॉट इफ अगर मैंने 9 करोड़ कर लिया तो? नहीं मैं तो 9 करोड़ पूछा है, 10 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा है, अगर मैं 9 करोड़ कर लिया तो हाँ अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बढ़िया। और 10 करोड़ कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है ना। देन आगे क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स नेट असेट्स आर इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अभी क्वालिफाइंग असेट्स क्या है, अरे यार क्वालिफाइंग असेट्स माने वो जो तुम्हारा वो 90-50, 50-50, 60-50 वो जो चल रहा है ना, वो यहाँ पे कितना हो गया है, 85-50 हो गया है, कि आउट ऑफ योर टोटल असेट्स 85% ऑफ योर असेट्स शैल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स। क्वालिफाइंग असेट्स का मतलब क्या है, कि मैंने इतने इतने वैल्यू का क्या कर रखा है, माइक्रो फाइनेंस दे रखा है, यस दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। और ये फाइनेंस कौन सा दिया मैंने, माइक्रो फाइनेंस। अब सबसे जरूरी बात, कितना कितना लोन दे सकते हैं, गरीब आदमी का कितना मजाक उड़ा रहे हो तुम, चलो देख लेते हैं। तो लोन विच इज डिसबर्स्ड टू अ बोरोवर विद हाउस होल्ड एनुअल इनकम, ये मेरी ही बात कर रहा है, मैं तुमको बता रहा हूं, एक सेकेंड ये जरूरी, मैं सही कह रहा था, ये मेरी ही बात कर रहा है, देख लो भगवान ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठवा ही दिया, कोई बात नहीं। और क्या कर रहे थे तुम, ये तो बंद कर दो, फ्लैप कौन ऊपर करता है, वो भी ऐसा मैनुअली, ऐसा थोड़ा कसम खाई कि ठीक है एसी बंद ही नहीं हो सकता, अरे एसी बंद हो सकता है बेटा, हो सकता है बंद बटन है ना उसमें यार थोड़ी देर बाद फैन ऑन कर लेना, अभी मत करना, अभी करेगा तो ये लोग मर जाएंगे, थोड़ी देर 5 मिनट रुक के फिर कर लेना, ठीक है। देखो भाई क्या बोल रहा है, लोन विच इज डिसबर्स टू अ बोरोवर विद हाउस होल्ड एनुअल इनकम, पूरे घर की इनकम की बात कर रहा है ये,
नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1, ₹1,25,000 एंड 2 लाख फॉर रूरल एंड अर्बन और सेमी अर्बन हाउसहोल्ड्स। क्या बोल रहा है ये भाई? ये जो है MFI, ये कितना मतलब किन लोगों को लोन दे, कि उन लोगों को लोन देगी जिनके हाउस होल्ड पूरे घर की पूरे साल की एनुअल इनकम कितनी है। इफ यू आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, यू आर नॉट लिविंग इन द अर्बन, तुम अजय नगर है तो गाँव है वो। इफ यू आर लिविंग इन द अर्बन एरिया तो 2 लाख रुपए, इफ यू आर लिविंग इन द रूरल एरिया या अजय नगर वाले जितने भी हैं तो 1,25,000 रुपए। समझ रहे किसको मिलेगा लोन? ऐसे आदमी को जिसके साल भर की इनकम 1,25,000 रुपए, और इफ यू आर लिविंग इन द अर्बन एरिया 2 लाख रुपए। मतलब कितना कम है इसका इनकम लेवल सोचो। और तुम ऐसे आदमी से गिरवी रखवा रहे थे बेटा, शर्म आ रही है तुमको? 2 लाख रुपए साल का मतलब समझती हो कितना हुआ महीने का? तो बताना मुझे कितना होता है। अबे हाउस होल्ड इनकम की बात हो रही, इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही। हाउस होल्ड मतलब पूरे घर की इनकम सबका मिला जुला करके, इतना भी नहीं होता मेरा तो। हाँ तो बता महीने का कितना हुआ? कितना हुआ महीने का? तेरे को ये हिसाब नहीं लग रहा तेरे से? हे भगवान, चल ठीक है, चल दिया तो समय, चल तू बता दे। 16 साढ़े 16, हाँ इतना ही बेटा, 17-16 हज़ार। अब सोचो 17-16 हज़ार महीने का क्या, कौन आदमी कैसे काम चलेगा बेटा? बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खुद रोटी खाएं, हैं क्या पहने क्या खाएं, बताओ। खैर अब चल, अब ऑन कर लो बेटा, वो हो गया सब, ऑन कर लो फैन। तो बेसिकली ध्यान देना बच्चों, माइक्रो, इसलिए इसको माइक्रो फाइनेंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक सोसाइटी के वीकर सेक्शन को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहे हो विद एन इनकम ऑफ ₹2 लाख एंड 1,25,000 ओनली रिस्पेक्टिवली इन दी रूरल एंड दी अर्बन एरियाज। फिर क्या बोल रहा है? लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 75,000 इन दी फर्स्ट साइकिल। सही बात भी है, देखो यार सही बात है। अब उस आदमी का साल भर का इनकम 2 लाख रुपया है तो 75,000 से ज्यादा का लोन देना भी नहीं चाहिए। दे दिया तो अरे उतना तो उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है, रीपे नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए पहली बार समझो, पहली पहली बार अगर कोई MFI के पास पहुंचा है बोले हमको लोन चाहिए, तो MFI मैक्सिमम मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है उसको? 75,000 रुपीज का लोन दे सकता है, इससे ज्यादा लोन नहीं देगा इन दी फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल मतलब पहली पहली बार मांगने गए। अब सुनो, पहली बार मैं लोन मांगने गया, मैंने पूरा लोन रीपे कर दिया, अब वापस मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, मैं वापस लोन मांगने गया, यानी ये हो गया सेकंड साइकिल, सब्सिक्वेंट टाइम। तो सब्सिक्वेंट टाइम में क्या बोल रहा है? एंड 1,25,000 इन दी सब्सिक्वेंट साइकिल। अब क्या थोड़ा भरोसा हो गया है, इसलिए तो दूसरी बारी में अगर लोन मांगने गए तो कितना मिल सकता है मैक्सिमम? 1,25,000। अब इसका एक मतलब और निकाल सकते हैं अपन, क्या निकाल सकते बताता हूँ। उसके लिए पहले तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। टोटल इनडेटनेस ऑफ द बोरोवर डज नॉट एक्सीड 1,25,000 एक्सक्लूडिंग लोन फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। ये अभी ऐड हुआ, ये वाला क्लॉज पहले नहीं था, अच्छा क्लॉज ऐड करा, थैंक यू सो मच। बट स्टिल फिर भी पहले समझ लो, बताता हूँ तुमको। ये आदमी है, ये बिलोंग करता है गरीब परिवार को, ये इस MFI से, ये इस MFI से लोन लेने गया, तो पहली बार में कितना लोन मिला? 75,000। ये 75,000 लेके घर चला गया। अब क्या हुआ? कुछ दिन बाद इसको पैसों की जरूरत फिर पड़ गई। ध्यान देना, अभी 75,000 रीपे नहीं करा यहाँ पे, वो भी लोन है, पैसों कुछ दिन बाद वापस से पैसों की जरूरत पड़ गई। तो क्या गया वापस से इसके पास गया और बोला मुझे लोन दे दो। तो MFI क्या बोलेगा? बोले अभी तो दिया था भाई। बोले अरे वापस पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम समझो है? पैसा है, जरूरत तो पड़ती रहती है। तो MFI इसको दूसरी बार में लोन दे देगा। कितने कितने अमाउंट तक का लोन दे सकता है दूसरी बार में? 1,25,000। तो इसका यह मतलब नहीं कि 1,25,000 दे देगा। तीसरा क्लॉज तुमने भी पढ़ा कि टोटल इनडेटनेस कितना होना चाहिए? 1,25,000। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस आदमी के ऊपर 1,25,000 से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। तो यानी ये दोबारा का लोन मांगने आया है और इसके ऊपर ऑलरेडी 75,000 की बोरिंग्स हैं, तो अब मैं इसको मैक्सिमम कितना बोरिंग दे पाऊंगा? केवल और केवल 50,000।
इसके बाद फाइनेंस नहीं कर सकता मैं तेरे को, माफ कर, ठीक है? अब इसको रीपे कर देना, तभी दोबारा लोन मांगने आना। अब अगर दोबारा लोन मांगने आ गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लाते मिलेंगी, ठीक है? ऐसा चीज समझा तुम लोग को? तो एक तो इनकम लेवल याद रख लेना, 2 लाख 1 लाख 25 लाख मैक्सिमम लोन पहली बार में, 75,000, दूसरी बार में 1 लाख 25,000 तक, पर टोटल टोटल इंडेटनेस कितना, 1 लाख 25,000। पर हाँ एक बात ध्यान रखना, मान लो बीच में कुछ क्या हो गया, इसकी टांग टूट गई, इसका सर फूट गया, यानी कोई तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहा है, अंधा हो गया है, बहरा हो गया मेरी तरह, कोई तरह का मेडिकल एक्सपेंस आ रहा है, या मान लो बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, तो उस एक्सपेंस के लिए इसको लोन अलग से मिल सकता है, उसके ऊपर फिर 1 लाख 25,000 वाला लिमिट अप्लाई नहीं होगा। आया चीज समझ में? एनी काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंस के लिए और फॉर एजुकेशन एक्सपेंस के लिए उसको अलग से लोन मिल सकता है, उसमें फिर ये 1 लाख 25 वाले लिमिट काउंट नहीं होगी। समझ रहा तुम लोग को? चलो आगे पढ़ते। मिनिमम टेन्योर जो मैं बोला था ना तुमको, कम से कम भी लोन तो रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट का ध्यान रखता, मेरे को इंटरेस्ट दो। तो मिनिमम टेन्योर ऑफ 24 मंथ्स फॉर लोन अमाउंटिंग अमाउंट एक्सीडिंग 30,000। अगर आपने जो लोन लिया है उसका अमाउंट कितना है, 30,000 से ज्यादा है, तो बेटा तुम लोग का जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा लोन का वो कितना रहेगा, सॉरी मैक्सिमम क्या, मिनिमम जो टेन्योर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 साल। तुमको कम से कम 2 साल तक वो लोन अपने पास रखना पड़ेगा, तुमको 2 साल तक वो इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। हाँ अगर 30,000 से कम लोन लिया है तो तुम उसको 2 साल से कम की टेन्योर लेके चल सकते हो। 30,000 का लोन भी ले रहा है कोई, चलो ले रहा होगा यार। कोलेटरल फ्री लोन्स, अभी इतना छोटा छोटा अमाउंट का लोन ले रहा है तो कोलेटरल फ्री ही रहेगा, हाँ, विदाउट एनी प्री पेमेंट पेनल्टी। मतलब मान लो अगर उसने पहले रीपे कर दिया तो उसको उसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, ऐसा होता है जनरली। जैसे आप जब लोन फोर क्लोज करा देते हो ना तो उसमें भी एक ड्यूरेशन रहता है कि इतना टाइम से पहले फोर क्लोज नहीं करा सकते, अगर इतना ड्यूरेशन से पहले फोर क्लोज लगाए तो तुमको पेनल्टी भरनी पड़ती है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी, मतलब कोई है ऐसा बच्चा जो मेरे को इस पॉइंट का मतलब समझा दे प्लीज। रहने दे बेटा, सॉरी सॉरी, क्या क्या ही क्या ही इंटरप्रिटेशन निकाला तूने, सॉरी है सॉरी, पर तूने ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा, तो पर ये है नहीं, सॉरी। और कोई? वेरी गुड वेरी गुड, अबे ट्राई किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? यस तोलानी जी, हम तो आपको कल नेता बना रहे थे क्लास का, बोलो भाई बोलो। नेता मतलब पूरी लीडर है क्लास की, लीडर हमारा नेता कैसा हो, कशिश तोलानी जैसा हो, तुम बताओ तुम क्या करने आए हो, तुम भी बताओ। अरे अरे बहुत आसान है, हाँ आसान है बेटा, हाँ बताओ, चलो बताओ। नहीं है ऐसा, जबरदस्ती, सॉरी बेटा सॉरी, मैं तो बताऊंगा ही, और देख सकते हो और तुम लोग क्या सोच सकते। अरे बहुत आसान है, बहुत सीधा सीधा, सामने ही लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, बस वो है कि इंटरप्रिटेशन लगाना था, थोड़ा दिमाग लगाना था, तुम लोग लगाई नहीं दिमाग, क्या यार खो। अब मैं बता दूं, हो गया सबका ट्राई, चलो वो जो चल रहे थे ना 50-50 टेस्ट, पहला था 50% ऑफ एसेट्स, दूसरा था 50% ऑफ इनकम रिसीट। इधर पहले वाले 50 में तो क्या गया था, 85, अरे मैं लिख भी रखा है कि इधर क्या चलेगा, 85 50
50 चलेगा, तो ये जो दूसरा 50 ना वही बोल रहा है कि तुम्हारे बिजनेस की, तुम कौन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC, तुम्हारे बिजनेस की 50% ऑफ इनकम कहाँ से आना चाहिए, वो इधर लोन से आना चाहिए, कि मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी, कि ये जो लोन दे रहे हो ना इनसे कम से कम भी तुम्हारे बिजनेस का कितना परसेंट इनकम आना चाहिए, 50% इनकम तो आना ही चाहिए। यानी उसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग से दिया, तुम पता नहीं लोगों की इनकम लेवल 50% करवा रहे, ये 50 इज फॉर दी इनकम वाला 50, वो था ना 50-50 टेस्ट, हेलो 50-50 टेस्ट था ना, ये उनसे बोल रहा मैं। तो बेटा वो इधर कितना हो गया 85-50, के हमारा जो ये जो लोन बांटने का जो बिजनेस है इसे टोटल बिजनेस की इनकम का कितना इनकम आना चाहिए, 50% मिनिमम 50%, क्लियर बात, ऐसा तो दिमाग में रखो चीजें। लास्ट क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियोडिकली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, एट बोरोवर्स चॉइस। व्हाट इज फोर्टनाइटली? यस 15 15 डेज, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे ऐसा रीपेमेंट फैसिलिटी है, तुम चाहो तो हर हफ्ते पेमेंट कर सकते हैं, हर 15 दिन में कर सकते हैं, मंथली बेसिस भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक, तो ये कौन होता है आपका, NBFC MFI। चलो तो जल्दी बताओ क्या क्या खास बातें थी NBFC MFI का जो दूसरों में नहीं थी, जल्दी जल्दी बोलो एक एक करके बोलो भाई। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी के अलावा कंपनी होगी, और 85% ऑफ द एसेट्स जो होगा वो क्वालिफाइंग एसेट्स में होगा, यानी लोन देने की फॉर्म में होगा। हाँ, और 30,000 से ज्यादा का लोन है तो मिनिमम टेन्योर रहेगा 2 साल, तो 24 मंथ्स 2 साल होते हैं, क्या करे तुम्हारा नीलम दोस्त, 24 मंथ्स। हाँ, तो 24 मंथ्स ही तो है दोस्त, ये हो गई बेटा इसका। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही ना बेटा, अभी कब तक है, 18 जुलाई तक, ये पागल हो रही बिना कॉलेज जाए हुए, इसको घर लेके, इसको कॉलेज लेके जाओ। तुम लोग कॉलेज जाते हो तो तुम रोते रहते हो, भाई कॉलेज जाना कॉलेज जाना, अब कॉलेज जाए तो अच्छा, अब कॉलेज जा रहे तो फिर भी रो रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे कॉलेज नहीं जा रहे, कोई बात नहीं बेटा होता रहता है ना। हाँ ये था, और क्या था, हाँ NCR, NCR क्या 10 CR, NF, NF शुड बी 10 CR, इफ नहीं है तो पहुंचाना पड़ेगा 2025-2027, 7 और 10, ठीक है फिर। अरे वो तो बोलो मेन बात, हाँ हाउस होल्ड इनकम बोलो, 1,25,000 और 2 लाख, अर्बन और रूरल, मैक्सिमम लोन पहली बार में, दूसरी बार में, पर टोटल इंडेटनेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात, विदाउट कोलेटरल है ना, और 50% इनकम फ्रॉम ये लोन जनरेशन, और पेमेंट कैसा भी, क्लियर है बात, याद रहेगा तुमको, ध्यान देना MFI के ऊपर नोट लिखने को आ सकता है तो लिख के आना पड़ेगा, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, MFI पे नोट लिखने को आ सकता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, तुम लोग के साथ है कि मेरा भी जुबान, वह भी आज जब डॉलर पढ़ा था ना मुझे याद है, मेरी क्लास में डूलर बोला था तुम लोग के सामने बोला था, अच्छा वो आज नहीं बोला मैंने, कम हंसा कर बेटा दांत गिर जाएंगे तेरे। नाउ नेक्स्ट, अगला चीज, NBFC फैक्टर्स, ये तो मैं हूं पक्का, ये तो मैं ही हूं, मैं बता रहा हूं तुमको, ये मैं ही हूं, दिस इज मी, NBFC फैक्टर्स ना, ये वो NBFC से जो मैं ही हूं, समझ रहे, NBFC फैक्टर इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC एंगेज्ड इन द प्रिंसिपल बिजनेस। इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फैक्टरिंग करना, फैक्टरिंग मतलब क्या होता है, चलो रुको पहले पूरा ही पढ़ देता हूँ यार, द फाइनेंशियल एसेट्स इन दी फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड इट्स टोटल इनकम डिराइव फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस शुड नॉट बी लेस देन 50%, मतलब वही हो गया 50-50 टेस्ट तो क्वालिफाई करना चाहिए, पर मेन बात क्या है यहाँ पर, मेन बात ये है कि ये जो NBFC है ना, ये इसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है, इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या रहेगा, फैक्टरिंग करना, अब बस मुझे इतना बता दो फैक्टरिंग होता क्या है, और मैंने तुमको बोला ये मैं ही हूं, जैसे समझो फैक्टरिंग किस वर्ड, किसको बोलें किसको बोलें किसको बोलें, तुम में से किसी को पैसे की जरूरत है क्या, है
पलक को है, पलक बहुत ज्यादा हंस रही है। पलक तेरे को पैसे की जरूरत है क्या, करेगी बेटा इतने पैसे का? ठीक है, तो पलक मेरे पास आई। पलक को लगा सर के पास तो पैसे होंगे ही, पर पलक शायद मेरे को जानती नहीं बेटा, है ना, ये बहुत अच्छे से जानती है। कोई बात नहीं, पलक को बहुत झूठी उम्मीद थी कि सर के पास पैसे तो मिल ही जाएंगे, सर से पैसे मांग लेते हैं, सर को क्या, सॉरी पलक को पैसे देते, बट हाँ ये वापस रीपे करेगी बेटा, डोंट वरी। तो पलक सोची थी ये कभी फॉर द टाइम बिंग किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ हो जाए। तो पलक पहुंची मेरे पास, सर वो थोड़े पैसे चाहिए थे। मैंने कितने? बोले दादा कुछ नहीं, 50,000 रुपये दे दो। मैंने कहा 50,000 रुपये? मैंने मन में सोचा इसको पता नहीं कि मैंने 50,000 कभी साथ में देखे भी नहीं है, पर कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं अगर ऐसे मना करूं इसको कि बेटा मेरे पास तो नहीं है, तो क्या अच्छा लगता है, शोभा देता है मेरे जैसे इंसान को ऐसा मना करना कि बेटा नहीं मेरे पास 50,000 नहीं है, है? अच्छा लगेगा क्या, सोचेगी बच्ची, बताओ है सर के पास 50,000 रुपये नहीं है? तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने मना नहीं किया, सुनना, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मैंने तेरे को 50,000 रुपये कहीं से अवेलेबल करा दिए। अब क्या हुआ, पलक पैसा लेके भाग गई। ठीक है, चलो नहीं भागी, नहीं भगाते इसको, अच्छी बच्ची है पलक, वहीं पे पलक ने पैसे लिए 50 रुपये, 50,000 रुपये इसके बाद। मैंने क्या ना, मैंने खुद वो पैसे दिशान से मांग के पलक को दिलवाए, पर दिशान को पता नहीं कि पलक के पास है। दिशान को ऐसा लग रहा है कि हिमांशु सर ने लिए हैं, ठीक है, और हिमांशु सर ने 50,000 रुपये किसे दे दिए, पलक को। अब पलक जब मुझे रीपे करेगी तो मैं इसको रीपे करूँ। 2 मिनट में आया, चलो 1 मिनट में आ रहा हूँ। मत कर। तो अभी पलक ने टाइम पे पैसा लौटा दिया, पर मेरी नीयत बदल गई। मैं सोचा पैसा आ ही गया है, दिशान कौन सा अपन से पैसे मांगता है, दिशान अपन से पैसे मांगेगा भी नहीं, बच्चा है अपना वैसे भी। ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे पास पैसा आ चुका है, मैंने वो 50,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब ये मुझसे पैसा मांगता है ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब दिशांत सोच रहा है, बोले यार सर से कैसे मांगू, अच्छा नहीं लगता। अरे फोन नहीं चलाने को बोला तुमको, बोले कैसे मांगू पैसा सर से, अच्छा नहीं लगता ना पैसा मांगा जाए, ये शर्माता है मुझसे थोड़ा, है ना। तो अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, बोले सर से मांगू कैसे पैसा। तो दिशांत ने क्या करा, दिशांत ने अप्रोच करा किसको, अभिषेक सर को। बोले सर यार ये हिमांशु सर को 50,000 रुपये दिए थे, अब तक लौटाने का नाम नहीं ले रहे, कुछ करो इनका। तो अभिनाथ सर बोलते हैं, बोले तू चिंता मत कर, तू पकड़ ये 48,000 या 46,000 और जा। ठीक है, अविनाश सर ने क्या करा, यहाँ पे दिशान को दिए 46,000 रुपये, उसके मुंह पे मारे, बोले ले रख तू, अब वो 50,000 रुपये तो भूल जा। बोले सर पर आप दे रहे हो अपनी जेब से, बोले अरे वो मैं और हिमांशु सेटल कर लेंगे, हिमांशु खुद मुझसे बहुत सारे पैसे मांगता है वो चल वो मैं और वो सेटल कर लेंगे। यहाँ पे अविनाश सर जो आए ना, अविनाश सर भी बनाते हैं अपन, तो अविनाश सर जो आए ना, तो ये थोड़ा उनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया मैंने तो अविनाश सर कौन है यहाँ पे, ही इज अ फैक्टर। हिंदी में अगर इसको बोले ना, वसूली भाई। क्यों? क्योंकि अविनाश सर ने जिम्मेदारी लिया है। किस चीज का जिम्मेदारी लिया है, मुझसे पैसा वसूल करने का, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जेब से 46,000 दे दिए, बोले और इसको भेज दिया घर, और टोटल पैसा कितना था, 50,000। तो क्या मान के चल रहे हैं, बोले अगर मैंने हिमांशु से पूरा वैसा वसूल लिया तो मेरा तो 4,000 रुपये का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो वो उनका कमीशन हो गया।
तो फैक्टरिंग का बिजनेस क्या होता है कि अविनाश सर ने क्या करा यहाँ पे, किसी और की डेट्स को अपना बना लिया, है ना। डेट्स किसकी थी, वो दिशान की, और वो डेट्स किस उन्होंने मतलब उन्होंने क्या करा, उन डेट्स को अपना बना लिया कि अब वो डेट्स किसकी बन गई, अविनाश सर की। मुझे पेमेंट किसको करना पड़ेगा, अविनाश सर को। रिस्क किसका हो गया, अविनाश सर का। नहीं करा तो मैंने पेमेंट क्या कर लेंगे वो मेरा, है ना। तो रिस्क किसका हो गया, फैक्टर्स का। तो ऐसा कोई एनबीएफसी जो क्या कर रहा है, वसूली भाई का काम कर रहा है। वसूली भाई का मतलब जैसे क्या है ना, जनरली ये एनबीएफसी बैंकों के पास जाते हैं, और तुमको तो पता ही है बैंक जो कितने लोन देता है, बैंक में कितने डिफॉल्ट्स होते हैं। तो ये एनबीएफसी बैंकों के पास जाता है और बैंकों से बोलता है कि तुम्हारी जितनी भी डेट्स है ना वो हमको बेच दो, क्या कर दो, हमको बेच दो। बोले कितने करोड़ की डेट्स हैं, बोले 10 करोड़ की, तो पकड़ो ये 9 करोड़ रुपए या 9.5 करोड़ रुपए पकड़ो और इन डेट्स को भूल जाओ। अब इन डेट्स को वसूल करने का जिम्मेदारी किसका, हमारा। अगर हम 10 के 10 करोड़ हमने ऐसा वसूल कर लिया तो हमारी इनकम में आ जाएगा 5, ये जो 50 लाख रुपए जो भी रहा, अगर नहीं आया तो वो हमारा रिस्क है। तो इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग बिजनेस, यानी दूसरे की डेट्स को अपना बना लेना। समझ में आया मेरे बात। तो जो आदमी फैक्टरिंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, यानी हिंदी में क्या बोल लोगे उसको, वसूली भाई, है ना। इसको पैसा वसूल करना है लोगों से। कर लिया तो इनकम, नहीं करा तो लॉस, रिस्क, ठीक है। तो ऐसा एनबीएफसी जो फैक्टरिंग के बिजनेस में एंगेज है, ऐसा एनबीएफसी जो फैक्टरिंग के बिजनेस में एंगेज है, उसको हम बोलते हैं एनबीएफसी फैक्टर्स। ये लोग क्या करते हैं, बैंकों के पास जाते हैं, उनकी डेट्स खरीदते हैं एट डिस्काउंट। बैंक अपना डेट्स बेच भी देता है, क्यों, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल गया। अब उसके ऊपर रिस्क नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, पर एनबीएफसी के पास क्या, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो जो मार्जिन था डिस्काउंट का, वो उनका इनकम कन्वर्ट हो सकता है अगर उन्होंने सारा पैसा क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग बिजनेस। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है 50-50 टेस्ट में, केस एनबीएफसी का 50% ऑफ द टोटल एसेट्स किसकी फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस की फॉर्म में होना चाहिए। कि 50% जो मेरे बिजनेस की टोटल एसेट्स है ना, वो मैंने क्या करी है, लोगों की डेट्स खरीद खरीद करके बनाई है, और 50% ऑफ द टोटल इनकम मेरा किससे आना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस से आना चाहिए। क्लियर है बात। सो दिस इज कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टर्स। तो फैक्टरिंग अगली बार कोई पूछे ना तुमसे होता क्या है, तो ऐसे चुप मत बैठे रहना, बता देना फैक्टरिंग मतलब किसी और की डेट्स को एज एट अ डिस्काउंट डेट प्राइस पे परचेज कर लेना, या उसके लिए कमीशन चार्ज करना। तो ये जो डिस्काउंट है ये तुम्हारा कमीशन रहता है, और फिर उन डेट्स की जिम्मेदारी पूरी तरीके से किसकी जाती है, तुम्हारी, बैंक्स का या जिसका भी डेट्स आपने लिया उनका, फिर बाद में कोई वास्ता नहीं रहता, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। आया चीज समझ में बच्चे। नाउ लास्ट, आज के दिन का लास्ट ये करते दैट इज द मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एमजीसी, है ना, एनबीएफसी, एमजीसी। तुमको अभी वाला एग्जांपल याद है मेरा और ये पलक वाला, तो पलक को लोन किसने दिलवाया, मैंने दिलवाया। अगर पलक उस लोन को देने में क्या कर जाती, डिफॉल्ट कर जाती, तो फिर वो लोन देने की जिम्मेदारी किस पे आती, मेरे पे। मतलब पलक मुझसे लोन मांगने आई, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने कहा चल मैं तुझे किसी और से लोन दिलवा देता हूँ। जैसे पहले वाले केस में तो मैंने कहा कि मैंने ही लोन लिया फिर इसको दिया, अभी इधर क्या हो रहा है, मैंने इसको बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमको लोन अरेंज करवा सकता हूँ। जिससे मैं लोन अरेंज करवाऊंगा उसको मैं गारंटी दे दूंगा। गारंटी मतलब भाई देख लो ये बंदा है, बहुत अच्छा है, ये तुमको पैसे दे देगा। बोले नहीं दिया तो उसके बदले पैसा कौन देगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गारंटी दे रहा हूँ। तो ऐसी एनबीएफसी जो खुद तो लोन नहीं दे रही, समझना, एक ऐसी एनबीएफसी जो खुद लोन नहीं दे रही है, खुद क्या कर रही है, सिर्फ आपको लोन अरेंज करवा रही है, यानी आपके फेवर में गारंटी इशू कर रही है कि अगर इन लोगों ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इनके बिहाफ पे क्या करेंगे, लोन का रिपेमेंट करेंगे। तो ऐसे एनबीएफसी जो खुद लोन ना दे पर क्या करे, गारंटी बांटता फिरे, गारंटी 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 गारंटी, 10 रुपये गारंटी, 10 रुपये गारंटी, तो उसको क्या बोलते हैं, एनबीएफसी, एमजीसी, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज। देखो
एमजीसीआर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर, ध्यान देना पे टर्नओवर है, यहाँ पे टर्नओवर है, यहाँ पे असेट्स नहीं है, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना। टर्नओवर यानी, अरे यार तुम लोगों ने जीएसटी पढ़ा है यार, तुम लोग ऐसा खून जलवाते हो मेरा है। टर्नओवर यानी सर वो सेल्स वगैरह के बाद जो आता है वही तो टर्नओवर होता है। तो 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी बिजनेस, है ना, इमीडिएट बिजनेस का टोटल जो टर्नओवर है उसका 90% जो टर्नओवर है मेरा कहाँ से आना चाहिए नया जी, हमारे मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आना चाहिए। एंड एटलीस्ट 90% ऑफ इनकम भी कहाँ से आनी चाहिए, उसी मॉर्गेज गारंटी के बिजनेस से। समझो मैं जो आपको मैंने गारंटी दिलवा रहा हूँ तो क्या फ्री में दिलवाऊंगा, नहीं, मैं क्या अपना कमीशन, मैं तेरे को लोन दिलवाना ला दे 10% मेरा, ला दे 2% मेरा, ऐसा ठीक है। तो मेरा 90% ऑफ द इनकम जो है वो भी किधर से आना चाहिए, मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आना चाहिए। एंड नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए इसका, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना ये एनबीएफसी क्या कर रहा है, ये एनबीएफसी इश्यूज गारंटी इन फेवर ऑफ देयर क्लाइंट्स, या जो भी लिखना चाहो, मैं तो ऑफ अदर्स लिख रहा हूँ, कि दूसरों के फेवर में गारंटी वगैरह इशू करते फिर रहा है के बदले, और यही इसका बिजनेस और यही इसकी इनकम है, और इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोन नहीं दे रहे, वापस ध्यान रखना हम लोन नहीं दे रहे बेटा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं गारंटी दिलवा रहे, ठीक है। इसी से हमारा पैसा चल, मतलब बिजनेस चल रहा है, सोचो दूसरों को पैसा दिलवाना गारंटी दिलवाना, बढ़िया बिजनेस है भी। तो चलो इतना ही पढ़ लें आज, या NOHFC भी करा दूं, चलो तो एक काम करते हैं बाबू, है ना, तो आज इसको अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आप पढ़ें इसको अच्छे से रिवाइज करके आएं, कल वाला अगर किसी का छूटा हुआ है कुछ उसको पढ़ के आएं। अरे हाँ ये कांग्या 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 कांग्या, यस ये इसको घर जाके दोबारा पढ़ें, हाँ कल एक बार वापस से मैं आपको समझाऊंगा एंड फिर कल आप पढ़ते हैं, ठीक है, चलो।